हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है DU में UG और PG के जो है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो है DU के रेगुलर कॉलेज के छात्रों का, NCVAP के छात्राओं का और साथ में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL छात्रों का जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है हो रहा है। और इन दौरान जो है 2 दिन का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे समस्या जो है छात्रों को झेलनी पड़ी है, खासकर ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। साथ में अभी भी जो है छात्रों के पास में जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन है, जिसमें जो है उनका वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें जो है कहाँ पर अपलोड करना है, स्कैन किस तरह से करना है, इस तरह के जो है बहुत सारे सवाल हैं, उसी को लेकर आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चाहे आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NCVAP के छात्र हो या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL के छात्र हो, इन दौरान जो 2 दिन का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है खास तरह की एक जो समस्या उभर के आई है वो जो है बार बार वेबसाइट का जो है हैंग कर जाना, वेबसाइट जो है काम नहीं करना, क्वेश्चन पेपर जो है सही समय पर डाउनलोड ना होना, फिर अपलोड करते समय में जो है अपलोड ना होना, इस तरह के बहुत सारे समस्या जो है छात्रों को झेलना पड़ा है। खासकर SOL के छात्रों को देखा जाए तो इनका तो है खासकर ना, तो पहले इन्हें किसी प्रशासन द्वारा समझाया गया कि किस तरह से आपको जो है करना है ठीक से, इसके बारे में ना समझाया गया और ना ही जो है इनका ठीक से जो है डेमो एक तरह से दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया कि ओपन बुक में या फिर मॉक टेस्ट में समझाया गया कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। तो काफ़ी छात्र जो है इस चीज़ को लेकर परेशान थे, पहले ही बार बार सवाल पूछ रहे थे। हालांकि हमने जो है यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी जो है मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर छात्र जो हैं, टोटल 5 लाख छात्र हैं SOL में, जो कि काफ़ी परेशानी का उनको जो है सामना करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो ओपन बुक के माध्यम से पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NCVAP के छात्राएँ हो या फिर जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो, उन DU में जो है DU प्रशासन ने यही तर्क दिया था हाईकोर्ट में, जब छात्र ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर हाईकोर्ट में गए थे, उनका कहना था कि जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम संभव नहीं है क्योंकि वेबसाइट ठीक से काम नहीं करता है, पोर्टल ठीक से जो है काम नहीं करता है। तो इन पर जो है प्रशासन DU प्रशासन का जो है तर्क था कि हमारा वेबसाइट जो है ठीक से काम करेगा और इस पर जो है अच्छे से हम एग्ज़ाम जो है करवा सकते हैं, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कि इस साल जो है वही प्रॉब्लम जो है बार बार जो है आई है, जिसमें वेबसाइट काम नहीं करना, अपलोड करते समय बहुत काफ़ी दिक्कत होना, अपलोड नहीं होना समय पे, और बाद में जो है पोर्टल बंद हो जाने के कारण वो जो है अपलोड ही नहीं कर पाए। तो बहुत सारे छात्र जो हैं ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी जो है इस बार जो है देखा गया कि कम, पिछले साल के मुकाबले कम समस्या आई, लेकिन फिर भी जो छात्र थे वो जो है अपना पोर्टल पे जो है अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और खासकर SOL की छात्रों की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला था, उन्हें पहले भी जो है ठीक से नहीं समझाया गया कि आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से करना है। हज़ारों छात्र जो हैं हमसे बार बार कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि किस तरह से करना है, हमारा जो है रोल नंबर गलत बता रहा है, कभी OTP हमें जो है नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। हालांकि इसको लेके जो है SOL ने जो है बस खाना पूर्ति एक तरह से कहें, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि आपको किस तरह से जो है यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि क्या क्या इस किस तरह से लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हालांकि छात्रों को जो है समझ नहीं आया, और फिर भी जो है SOL के तरफ से जो है ना तो OTP भेजा जाता था और ना ही पासवर्ड ठीक से जो है उनका आता था, तो ऐसे में छात्र जो है काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी छात्र जो है इन दौरान एग्ज़ाम में हिस्सा भी नहीं ले पाए। तो अगर आपका क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर नहीं दिया है, इस ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको एग्ज़ाम के दौरान जो है क्या समस्या झेलनी पड़ी ये भी जो है कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसको लेके जो है कुछ गाइडलाइंस भी जो है अब जारी कर दिया गया है SOL की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आपको जो है SOL की वेबसाइट पर जाना है, अगर आप SOL के छात्र हैं, उसके बाद आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक करना है, जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल भरना है, जिसमें नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सब जो है आपको सबमिट करना है। अगर आपका जो पासवर्ड जो है भूल चुके हैं या फिर गलती से याद नहीं आ रहा है, तो आपको जो है उसके बाद जो है आपको रिसेट पासवर्ड पे जाना है और उसके बाद से जो है नया जो है पासवर्ड जनरेट करना है। तो इसी तरह से जो है दूसरा यही था, इसी तरह से जो है आपको ये इसमें ये भी दिया गया है कि आपको जो है एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले जो है आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आके जो है लॉगिन कर लेना है और वेट करना है क्वेश्चन पेपर
डाउनलोड करने का, जब जारी किया जाएगा उसके बाद जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी समस्या रही छात्रों का कि जब वो वेबसाइट खोल रहे थे तो काम नहीं कर रहा था, जिनका काम कर भी रहा था तो उनका जो है समय पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, यानी कि हैंग दिखा रहा है, अलग अलग ऑप्शन आ रहा है लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक एक घंटे बाद में जो है बहुत सारे छात्रों का जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ, और होने के बाद में जो है एक तो वो ठीक से एग्ज़ाम नहीं कर पा पाए, जैसे तैसे एग्ज़ाम कर भी लिए तो उसमें एक कन्फ्यूजन साफ साफ था कि आपको जो है पोर्टल में ये दिखाया जा रहा था कि आपको जो है 7:30 बजे जो है 7:30 बजे तक ये एग्ज़ाम है। तो दोस्तों इसको लेके तो हमने बताया था कि कन्फ्यूजन, आपका एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होगा और 1 घंटा आपको जो है स्कैनिंग और PDF बनाने में और अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। हालांकि 1 घंटा और जो था 4 घंटे के अलावा वो जो है उन छात्रों के लिए था जो डिसेबल छात्र हैं, जो कि एग्ज़ाम ठीक से जो है नहीं करवा पाएंगे, यानी कि ठीक से जो है उनकी काम कोई अंग जो है काम नहीं कर रहा है, तो इस उन छात्रों के लिए ये जो है था, यानी कि विकलांग छात्रों के लिए था। बाकी इसी तरह से आपको जो है वहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी छात्रों को समस्या आई, लेकिन जैसे तैसे वो जो है अपना अपलोड करवा पाए। लेकिन जो छात्र बाद में यानी कि 6:30 के बाद में अपलोड करवाए हैं उनको मैं बता दूं कि आपको जो है ये रिजल्ट के समय में हो सकता है कि आपको जो है दिक्कत हो, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है इन दौरान में यानी कि जो टाइम था उस टाइमिंग के दौरान जो है क्यों आपने जो है अपना अपलोड सीट जो है आंसर सीट अपलोड नहीं किया, तो ये जो है समस्या हो सकती है। बहुत सारे छात्रों का ये भी सवाल था कि हमें तो जो है ना तो कोई नंबर है, खासकर SOL का बताऊँ तो SOL की तरफ से जो है पूरी तरीके से जो है लापरवाही किया गया, और SOL छात्र और इन सभी समस्याओं का जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं जो है SOL प्रशासन और DU प्रशासन है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो है SOL में जो है एक भी क्लास नहीं हुई। आपको बता दूँ कि ज़्यादातर छात्र जो है ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाए, और ऐसे में उन्हें नहीं पता है कि क्या कब देना है उन्हें एग्ज़ाम देना है। अभी तक बहुत सारे छात्रों का यही सवाल कमेंट करके पूछते रहते कि हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, हमारा सेमेस्टर है या नहीं है, मतलब कब एग्ज़ाम देना होता है हमें। तो ऐसे में जो है छात्रों को इस तरह से बता देना कि आपको जो है इस तरह से यहाँ पे अपलोड करना है, ये करना है, और ना तो कोई मैसेज भेजा जाता है उन्हें, ना ही मेल भेजा जाता है, तो ऐसे में कैसे छात्र जो है कर पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है, और इसकी जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके के जो है SOL को बनती है। अगर कोई भी आपका रिजल्ट में दिक्कत होता है तो इसके लिए जिम्मेदार जो है SOL प्रशासन है, और इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर SOL प्रशासन का कोई अधिकारी हमारा ये वीडियो देखता है तो छात्रों को सुने, उनकी कोई समस्या दिक्कत नहीं है, समस्या आपकी है और दिक्कत आपकी है। अगर उनको समझाओगे नहीं कि आपको जो है किस तरह से करना है, ठीक से अगर आपको नहीं समझाओगे तो इसी तरीके से जो होते रहेगा। आपका एडमिट कार्ड की बात करें तो 1 दिन पहले अपलोड किया जाता है, 1 दिन पहले रात में बताया जाता है कि किस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो इसके लिए ना तो उनके पास कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, जिसमें है भी तो वो जो है उठाते नहीं है, वो काम नहीं करता है, ईमेल आईडी नहीं है, नोडल ऑफिसर जो है बात करने को तैयार नहीं है, ठीक से बात नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या है। तो इस तरह के जो है बहुत सारे समस्या थी। तो दोस्तों अब जो हम चौथे नंबर पे आते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर जो है कौन से पेपर में लिखना था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था और बहुत सारे छात्रों ने जो है A4 साइज का पेपर खरीद भी लिया था और उन्हीं पे जो है उन्होंने लिखा है, जो कि आपको काफ़ी होने वाला था, और इस पे जो पहले सीट पे जो लिखना था वो हमने आपको बता भी दिया था, और यहाँ पे सेम जो है लिखना था कि आपका जो है नाम क्या है, उसके बाद प्रोग्राम का नाम क्या है, सेमेस्टर आपका कौन सा है, फर्स्ट है या फिर थर्ड है, एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना था, यूनिक पेपर कोड लिखना था, पेपर टाइटल लिखना था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना था, ये सब जो है फर्स्ट सीट पे आपको जो है लिखना था। उम्मीद है कि आप अभी तक जिन छात्रों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो इन चीज़ को, ये गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ें, और इसी के माध्यम से आपको जो है एग्ज़ाम देना है। तो जो भी आप एग्ज़ाम बीत गया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं या फिर किसी तरह से जो है SOL से हेल्प मांग पा रहे हैं, तो आप जो है इनका गाइडलाइंस का ज़रूर पालन करिएगा और इसी तरह से आप जो है एग्ज़ाम दीजिएगा। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी जो है नोडल ऑफिसर का जो है नंबर भी जो है जारी कर दिया गया था, जो कि अभी जो है वेबसाइट काम नहीं होने के कारण जो है, वो पोर्टल काम नहीं करने के कारण जो है आपको नंबर नहीं दिख रहा होगा, और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट जो है कॉन्टैक्ट नंबर नोडल ऑफिसर का है, उस पर आप जो है कोई भी समस्या होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप उन्हें जो है कॉल करके बार बार कहिएगा कि हमें ये समस्या आप हमें बताएं, अगर नहीं उठाता तो दोबारा करिएगा, तिबारा करिएगा, लेकिन करिएगा उन्हें, ताकि उन्हें पता चलनी चाहिए कि SOL छात्र जो है बहुत बड़ी समस्या में है,
और अगर फेल होते हैं या फिर रिजल्ट में कुछ दिक्कत होता है तो इसके लिए जिम्मेदार जो है एसएल प्रशासन होगा। तो दोस्तों, अगर आप एसएल के छात्र हैं या फिर डीयू के रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं, एनसीवेब का छात्राएं हैं, आपका एग्ज़ाम क्या रहा, क्या आपको समस्या आई है, आप जो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हालांकि हमने जो है YouTube पे जो है एक सर्वे किया था, जिसमें से जो है लगभग 1000 बच्चे ने जो है भाग लिया था। उसमें ज़्यादातर छात्रों का यही कहना था कि वो जो है ठीक से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, काफ़ी समस्या जो है एग्ज़ाम में उन्हें दे पाए। दूसरा जो था, कुछ लोग जो है एग्ज़ाम दे पाए और लेकिन फिर भी जो है उन्हें काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी। और लगभग जो है 6-7% ऐसे छात्र से जिन्होंने वोट किया था, उसमें उनका यही कहना कि हम जो है एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाए। तो ये जो है समस्या है। तो आपको जो है क्या समस्या झेलनी पड़ी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी जो है अपलोड, आपको जो सीट अपलोड करना है, अगर आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में अगर कोई ऑप्शन नहीं है तभी जो है आप अपलोड करें। बाकी यहाँ से भी जो है आप डायरेक्ट जो है यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, जिसमें आपको एसएल रोल नंबर डालना है, एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है और ये कैप्चर 6+4 यानी कि 10 लिख देना है और लॉगिन कर देना है। और यहाँ पे डायरेक्ट वो पोर्टल जारी किया गया है जहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो है आंसर शीट आपको अपलोड करना है, तो यहीं से आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है किस तरह से हुआ है और क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ी है और भी क्या क्या दिक्कतें हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।